तो आ चुके एक और वीडियो लेके और आज हम वापस से खेलने वाले हैं वही वाली गेम जिसका नाम है माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट और बारिश भी शुरू हो गई है, वाह। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर डालो, क्योंकि वीडियो तो अपनी होती ही है, तो कर डालो सब्सक्राइब, है ना। तो चलते हैं भाई और आज मजा आना, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके गाइस, मैंने अपने वर्ल्ड में आई मीन मेरे क्राफ्टर में थोड़े से चेंजेस करे। सबसे पहले देखो यहाँ पे जितने घोड़े थे ना, जितने घोड़े लामा सारे मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है एंड मैंने एक पाथ बना दिया है। और यहाँ पे जो मेन चीज़ ये नहीं है वैसे, लेकिन दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, ये गेट बनाया मैंने ट्रिपल गेट, क्योंकि मैच में थोड़ा सा 19-20 हो गया था इसलिए ट्रिपल गेट बनाना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, चलो अच्छा लग रहा है मेरे को डिज़ाइन, आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बता देना। तो अभी अपने चलते हैं मेन चीज पे। तो फ्रेंड्स, तुम सामने देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने बना दिया है, क्या कह सकते हैं इसको, इसको कह सकते हैं ट्रेडिंग हॉल, ट्रेडिंग सेंटर, जो भी है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ बारीकियों से, मतलब बारीकियों बारीक बारीक से, ठीक है, मैं सब दिखाता हूँ। लेकिन जहाँ पे आज हम कुछ काम करने जाएंगे, तो ये है वो नदर पोर्टल जो मैंने बनाया है। और थोड़ा डरावना बनाने के लिए मैं थोड़ा स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग नहीं है ये वेब्स हैं। तो गाइस, मैंने शुगर केन को पेपर में कन्वर्ट कर लिया है, अभी मैं पेपर ट्रेडिंग करने वाला हूँ, पेपर ट्रेड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये मेरे को देने वाला है, एक स्टैक देने के बाद तुम्हें पूरे 2 अमृत मिलते हैं बस। तो गाइस, अभी मेरे को थोड़ा अपने टूल्स को अपग्रेड करना है। सबसे पहले मैं देखता हूँ ये बंदा क्या दे रहा है। दे भाई क्या दे रहा है तू, फॉर्चून 2। ओके, मैं ले लूँगा फॉर्चून 2, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पास अभी बुक नहीं है, मेरे को बुक लेने जाना पड़ेगा। ये क्या दे रहा है मेरे को, सिल्क टच, वाओ। लेकिन बहुत महंगा दे रहा है, 17 एमराल्ड। भाई साहब, है मेरे पास एमराल्ड, बहुत पैसे अपने पास। अभी नीली नीले लपूस ले लेता हूँ, लापूस नीली जो भी है। अब इससे मैं सबसे पहले इंचेंटिंग करके देखूंगा कि क्या क्या दे रहा है, तभी मैं खरीदूंगा। अनब्रेकिंग सेल्फ टच, भाई ये तो सेल्फ टच नहीं है, मैंने फालतू अपने एमराल्ड खर्च करने वाला था। और यहाँ पे मैंने सेल्फ टच ले लिया है। ओके, अब मैं पक्का ट्रेडिंग करने वाला हूँ, नो चीटिंग। क्या दे रहा है ये, कुछ नहीं दे रहा, घंटा सा दे रहा है। मेंडिंग, यस आई नीड मेंडिंग, मेरे को मेंडिंग की सख्त ज़रूरत है। और ये क्या, फॉर्चून 2, मेरे को ही तो ये चाहिए। लेकिन मैं भूल गया हूँ बुक लाना, मैं लेके आता हूँ बुक। ओके, मैंने सारी किताबें खरीद ली है, अभी मैं इसको अप्लाई करने वाला हूँ अपनी चीज़ों पे। डायमंड पिकैक्स को लेते हैं और यहाँ पे फॉर्चून 2 डालते हैं। अच्छा, ये नहीं होगा क्योंकि इस पर लगा हुआ है सिल्क टच, जहाँ पे सिल्क टच लगता है हमें फॉर्चून नहीं लग पाता। यस, यही बात होगी। और मैं वो पे फ्लेम लगा दूँ क्योंकि वहाँ पे एक और लेजेंड ने मेरे को फ्लेम दे दिया था, मैं फ्लेम लगा लेता हूँ। ओ भाई साहब, मेरा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। मैं नमूना दिखाता हूँ, ये देखो, अभी अगर मैं इसे ऐसे करके थ्रो करूँगा ना, ऐसे देखो आग निकलती। देखो, मेरे को नेदर इसलिए जाना है क्योंकि नेदर में मिलता है एक एंशियंट डेब्रिस नाम से एक चीज, जिससे हम बना सकते हैं नेदर राइट इंगट, मतलब बनता है नेदर स्ट्रैप, उसके बाद बनता है नेदर राइट इंगट। उससे अपने जो चीज़ें हैं मेरी, तो भी मेरे पास है तलवार वगैरह वगैरह चेस्ट वेस्ट, उसको हम इंगट का आई मीन नेदर राइट का बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है एंड बेस्ट होता है। ज़्यादा मेरे को इसके लिए TNT चाहिए, क्योंकि भाई साहब TNT मेथड जो है ना सबसे बढ़िया है। और मेरे पास सैंड और गन पाउडर बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने ग्लासेस बनाए थे, मेरे पास सैंड तो भर भर के पड़ा हुआ है, मतलब कि कम से कम 5-6 स्टैक्स पड़े होंगे। गन पाउडर भी पड़ा है क्योंकि मैंने बहुत से क्रीपर्स को बहुत बार मारा है, रात को निकलता था मैं हंटिंग वंटिंग है। तो मेरे पास अभी 32 वो बन चुके हैं, क्या कहते हैं TNT। तो अभी मैं जाता हूँ नदर में, नदर, और मेरे को पता नहीं मेरे को कैसा वर्ल्ड मिलने वाला है। भाई साहब, हाय फंस गया मैं अपने से, फंस गया यार, बच्चे चलो चलो चलते हैं। तो अभी देखो, मैं ना पहले एक और बार नदर जा चुका हूँ, नदर कोर्ड्स इकट्ठा करने, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि मैं अभी जा रहा हूँ, तो वो दिखा के कोई फ़ायदा नहीं था। तो अब जो दिखा रहा हूँ वो देख लो, क्योंकि भाई एंशियंट डेब्रिस नाम की चीज़ है भाई, इतनी आसान से नहीं मिलती। तो चल आग वाग बुझा लो, लेकिन रहने दो भाई, थोड़ी अच्छा लग रहा है, राइटिंग वाइटिंग हो रही है। नदर कोर्ड तोड़ लेता हूँ, लेकिन 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 ये जो सुअर की शक्ल है ना इनकी, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। देखा आ गया एक बार, हेलो हेलो सर, सर हेलो, निकल लौड़े। Why are we still here? Just to suffer.
मैं 2 मिनट सुसु करने गया था और मैं भूल गया था मेरा ओबी स्टूडियो बंद है। मैं आके गेम खेलने लग गया और फिर हो गया भाई थोड़ा सा प्रोग्रेस, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। मैं तुम्हें बता देता हूँ मैंने क्या क्या करा है। अब मैंने बस यहाँ पे एक आने जाने का रास्ता बनाया था और मैंने थोड़ी सी माइनिंग कर रहा था। मैंने जी 14Y तक नीचे डिग करना था तो मैंने कर दिया और मैंने यहाँ पे लैडर्स भी लगा दिए। बस ये 2 मैंने काम करे और कुछ काम नहीं करा मैंने बस, क्योंकि जैसे मैं लैडर लगाने लगा बिल्कुल फिर याद आया कि भाई मैं माइनिंग कर रहा हूँ, क्या मेरा OBS चालू है और बाई चांस मेरे को डेब्रिस मिल जाता। तो देखो मैंने ना यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रिप माइनिंग कर ली है भाई, इतना ही काम करा मैं। तो भाई फिर तो भाई सब लक पे, मतलब भाई थोड़ा सा तो माइनिंग करना पड़ेगा तभी पता चलेगा भाई आसपास कुछ है भी या नहीं, हम फालतू में कर रहे हैं। तो सर मैं थोड़ा सा यहाँ पे माइनिंग कर लेता हूँ, देखता हूँ भाई आजू बाजू मिल जाए तो बढ़िया है ना। अगर थोड़ा सा पहले मिल जाता तो ओ भाई 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 ये वही है ना। यस 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 ये वही है, वही है, वही है। उठा लूँ डैमेज तोड़ना पड़ेगा भाई, ये वही है। ओ भाई एक और नीचे, ओ भाई साहब 2 मिल गए यार विदाउट TNT भाई। मैं TNT लग भाई साहब ये क्या है ब्लैक स्टोन, मैं थोड़ा सा एक्साइट हो चुका था बस ही लगा था मैं ब्लैक स्टोन में तोड़ लेता हूँ थोड़ा सा। भाई एक और मिल गया, वाओ भाई साहब तो एक्साइटमेंट अब मेरी तो 200 पार हो चुकी है भाई साहब। ओ माई गॉड कोई मेरे को यार थर्मोमीटर दो, मेरे को बुखार आते हैं ज़्यादा हो रहा है। लेकिन भाई साहब एशियन डेब्रिस मिल चुका है मैं यार, यहाँ पे गोल्ड भी है लेकिन मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता गोल्ड से। ठीक है तो मेरे को कितने मिल चुके हैं भाई साहब, बहुत मिल चुका है। अभी देखो मेरे को ना क्या करना, दूसरी साइड में माइनिंग करता हूँ, यहाँ मैंने बहुत माइनिंग कर दी मतलब अब भाई ज़्यादा करूँगा तो लावा वावा मतलब पता नहीं क्या बात है। एक और भी है राइट साइड में भाई साहब, क्या बात है लगाने वाले हम। ठीक है भाई अभी संतुष्टि नहीं हुई भाई, अभी मैं TNT लगा के जाऊंगा यार, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई साहब। आई एम वेरी मच एक्साइटेड, और कितने मिल सकते हैं मेरे को मैं ये सोच रहा हूँ भाई साहब। तो मस्त एकदम TNT लगा दिया मैंने, अभी अभी देखो 1 2 3 गो, भागो 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 भागो। ओ बेटे बेटे, ओ भाई, ओ भाई साहब, ओ ओके। तो अभी देखो मैं नीचे आके रिजल्ट देखने आया था कि भाई क्या चल रहा है भाई सब का, भाई तो नेक्स्ट लेवल की हुई है। डेब्रिस भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, सब लूट के जाऊँगा, कभी टहल वहल मचा दूंगी टहल वहल, लेकिन मज़ा आ जाएगा भाई साहब। बहुत सारा डेब्रिस मेरे को मिल चुका है यहाँ पे, अभी बस डेब्रिस उठाते हैं फिर घर में चलते हैं अपने। अभी दोस्तों तुम्हें पता है कि जो हमें एंशियंट डेब्रिस मिला है उनको हमें फर्नेस में डालना पड़ता है और उससे हमें मिलता है नेदरराइट स्क्रैप्स। यस नेदरराइट स्क्रैप्स मतलब नेदरराइट इंगट नहीं, नेदरराइट स्क्रैप मिलते हैं। उसके बाद जो प्रोसीजर होता है ना, मतलब भाई साहब कितना लंबा प्रोसीजर है भाई, तुम्हें एक एंशियंट डेब्रिस मिलता है और उससे पता नहीं कितने स्क्रैप्स मिलता है, आई डोंट नो। लेकिन तुम्हें चार, मेरे को इतना याद है 4 एंशियंट डेब्रिस चाहिए होता है तुम्हें एक इंगट के। लेकिन मैं अभी यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ मेरा स्मिथिंग टेबल जो कि यहीं पर है, मेरे को पता है यहाँ पर ही मिलता है मेरे को। अब पूछोगे स्मिथिंग टेबल का क्या काम है और तुमने यहाँ पर स्मिथिंग टेबल स्मिथिंग टेबल यहाँ पर क्यों रखा था मैं बाद में बताऊंगा। तो चलो चलो ओके अब मैं आ चुका हूँ, मेरा कुत्ता कहाँ मर गया पता नहीं। लेकिन अभी देखो क्या करना पड़ता है, इसकी रेसिपी क्या होती है आई डोंट नो, आई हैव टू सी द रेसिपी। क्या लिखूँ नेदरराइट, ओके ओके। तो गोल्ड चाहिए यार, मेरे पास है गोल्ड, बहुत गोल्ड है अपने पास यार, इतना भी कंगाल नहीं हूँ, मेरे पास गोल्ड पड़ा है बहुत सारा। तो इस तरीके से बन जाता है, पहला इंगट बन चुका है हमारा, अभी हम बाकी के इंगट्स बनाने वाले हैं। मैं गोल्ड भी लेके आ चुका हूँ नीचे से। ओके क्या डालना है, ये डालना है क्या डालना है, मतलब भाई साइंस बनता है कुछ इसका। तो ये डाल दिया मैंने, डाल दिया मतलब रख दिया मैंने यहाँ पे इंगट, लो डबल में निकालते हैं। तो और ये मेरा दूसरा तीसरा जो भी है मतलब बन जाएगा जितना मर्जी, 4 बन जाएंगे। ठीक है तो अभी मैं करूँगा अपने स्वॉर्ड को रखूँगा इधर और इसको रखूँगा इधर, एक रखूँगा ज़्यादा नहीं एक, और उससे बनाऊँगा नेदरराइट स्वॉर्ड। ओके गाइस आई एम नाउ अ प्रो प्लेयर, अब तो मेरे को प्रो प्लेयर के दर्जे में ला सकते क्योंकि मेरे पास इंगट आई मीन नेदरराइट। तो बस इतना ही था आज के लिए, मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, तब तक के लिए।